नमस्कार दोस्तों, एचआर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ आपको मिर्ची का अचार। ये मैंने आधा किलो मिर्ची ली है और आधा किलो मिर्ची को मैं इसमें मुझे चाहिए राई, एक चम्मच राई ली है, एक चम्मच मैंने सरसों ली है, एक चम्मच मैंने सौंफ ली है, थोड़ी सी ली है मैंने 1/4 चम्मच अजवाइन, और पिसी हुई मैंने मेथी दाना लिया है। इसमें चाहिए मुझे थोड़ा सा चुटकी भर हींग, काली मिर्च, लाल मिर्च, आधा चम्मच मुझे हल्दी चाहिए, आधा चम्मच ही मिर्च लिया था, और 2 चम्मच मुझे चाहिए विनेगर, चाहिए 1.5 चम्मच नमक। ये हम इसका पीछे की हटा देंगे डंडी और हम इसको बीच में से ऐसे फाड़ देंगे मिर्ची को। सारी मिर्ची को 2 फाड़ कर दिए हैं, इसके बीच में से काट दिया। देखो, मैं 1 चम्मच राई, सरसों राई दोनों, सौंफ और अजवाइन, इन चारों को मिला के मैं पीस दूंगी। मसाला जी हो चुका है, मैंने थोड़ा मोटा ही मसाला रखा है, ये देखिए थोड़ा सा मोटा। 2 कड़छी छोटी वाली तेल लिया है और अब ये तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा, इस तेल को मैं ठंडा करूंगी जिससे ये मसाला काला ना हो। अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाला, ये जो मैंने पीसा था, ये देखिए हल्का सा ये ऐसे मसाला, गैस मैं बंद कर चुकी हूँ, और इसी में डाल दूंगी मैं हींग, जो मैंने 2 चुटकी हींग ली थी, इसी में डाल दूंगी मेथी दाना मैं, इनको सबको हल्का सा गर्म कर लूंगी। इसी के साथ मैं डाल दूंगी नमक, हल्दी, लाल मिर्च और काली मिर्च। ये देखिए मेरा मसाला जो है ये अच्छे से हो गया। मैं डाल दूंगी मिर्ची, मिर्ची को मिक्स कर दूंगी। देखिए मेरा मिर्ची का अचार हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी विनेगर, जो मैंने 2 चम्मच लिया था, ये विनेगर भी मिला दूंगी, इससे थोड़ा सा ज्यादा चल जाता है अचार। मेरा मिर्ची का अचार तैयार हो चुका है। जे आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।